एनडीए को 271 सीटों पर बढ़त और 25 पर मिली जीत। 223 सीटों पर आगे इंडी गठबंधन, 5 पर मिली विजय। मतगणना के रुझानों में एनडीए को मिल रहा है पूर्ण बहुमत, अब की बार सहयोगियों के भरोसे रहेगी बीजेपी सरकार। एनडीए ही नहीं इंडी गठबंधन भी बना सकता है सरकार, टीएमसी का साथ तय, जेडीयू मिला तो बनेगी बात। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने हासिल की जीत, गांधीनगर से गृहमंत्री करीब 7 लाख वोटों से आगे। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जीता चुनाव, लखीमपुर खीरी से टेनी, फैजाबाद से लल्लू हारे। बिहार में 30 सीटों पर एनडीए ने बनाई महत्वपूर्ण बढ़त, गया से जीतनराम मांझी जीते, अमित शाह ने दी बधाई। दिल्ली की सभी 700 सीटों पर क्लीन स्वीप की ओर बीजेपी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी ने बनाई निर्णायक बढ़त। इंदौर में लालवानी ने सबसे बड़ी जीत का बनाया रिकॉर्ड, नोटा का 2 लाख वोट पूरे देश में बना चर्चा का विषय। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने बनाई बढ़त, सीएम साहब बोले यहां 0 पर आउट होगी कांग्रेस। राजस्थान में भाजपा 14, इंडी गठबंधन 11 सीटों पर आगे, जयपुर से मंजू शर्मा 3 लाख से ज्यादा वोट से जीती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर सीट से विजयी घोषित, जालंधर से 2.25 लाख वोटों से जीते चरणजीत सिंह चन्नी। पश्चिम बंगाल और यूपी ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन, ममता का चला जादू, अखिलेश ने भी दी टक्कर। बंगाल में टीएमसी 29 और भाजपा 12 सीटों पर आगे, यूपी में एनडी को 41 और बीजेपी को 35 सीटों पर बढ़त। अमेठी सीट से कांग्रेस के किशोरी लाल विजयी घोषित, रायबरेली से राहुल गांधी ने हासिल की बड़ी जीत। तिरुवनंतपुरम से लगातार 4थी बार जीते शशि थरूर, मोदी सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर को हराया। आंध्र प्रदेश में एनडीए, ओडिशा में भाजपा की सरकार तय, रुझानों में दोनों राज्यों में जीत की ओर बढ़ रही पार्टी। जीत के साथ सियासी पिच पर राहुल गांधी का बड़ा कद, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और चंद्रबाबू भी चमके। रुझानों के बीच एनडीए और इंडी दोनों में जश्न का माहौल, कार्यकर्ता जमकर नाचे, एक दूसरे को लगाया गले। चुनाव नतीजों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलने घर पहुंचे राजनाथ सिंह। पीएम मोदी और अमित शाह ने की चंद्रबाबू नायडू से बात, तीनों नेताओं में आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। चुनाव आयोग से मिलने जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, राजीव शुक्ला बोले हम सरकार बनाने की करेंगे कोशिश। देश भर की पोलिंग एजेंसियों के एग्जिट पोल साबित हुए गलत, रुझानों में भाजपा को नुकसान, इंडी गठबंधन को फायदा। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ट्वीट, लिखा झोला लेकर हिमालय जाने का आ गया समय। लखनऊ में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, कासनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। चुनाव नतीजों के बीच सेंसेक्स ने 4300 अंकों का लगाया गोता, निफ्टी 1300 अंक टूटा, निवेशकों के 38 लाख करोड़ डूबे। भारत के लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले डरा पाकिस्तान, नेता बोले मोदी जीते तो घर में घुसकर मारने में आएगी तेजी। शाहजहांपुर में सपाइयों ने लगाया मतगणना में धांधली का आरोप, राउंड बार परिणाम की घोषणा न करने पर आयोग से की शिकायत। हिमाचल में बड़ी जीत पर भाजपा कार्यालय शिमला में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कार्यकर्ता को खिलाई मिठाई। नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर ने हासिल की जीत, बोले विपक्ष ने भाजपा प्रत्याशियों के उड़ा दिया होश। काराकाट पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल किया खराब, 90,000 वोट पाने से माले को मिली भारी बढ़त। लोकसभा चुनाव में वाम दलों के प्रदर्शन में आया सुधार, देश की 8 से 10 सीटों पर आगे चल रहे लेफ्ट उम्मीदवार। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर जीत के करीब भाजपा के अतुल गर्ग, कांग्रेस की डॉली शर्मा और नंदकिशोर पुंडीर काफी पीछे। धौरहरा सीट पर भाजपा की रेखा वर्मा काफी पीछे, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भी सपा प्रत्याशी ने बनाई बढ़त। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद ने बनाई विजयी बढ़त, कर्नाटक की हासन सीट से प्रज्वल रेवन्ना चल रहे पीछे। उत्तराखंड में क्लीन स्वीप कर 5 सीटों पर भाजपा की बढ़त, जीत की ओर अग्रसर, कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना किया शुरू। भाजपा को उधमपुर और जम्मू सीट पर मिल रही जीत पर जश्न शुरू, बारामूला सीट पर इंजीनियर राशिद 1.5 लाख वोटों से आगे। टीएमसी ने चुनाव परिणामों को बताया भाजपा के खिलाफ जनादेश, कहा ममता सरकार की नीतियों पर जनता का भरोसा कायम। विश्व स्वास्थ्य सभा ने IHR के संशोधनों को दी मंजूरी, भारत के स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। महाराष्ट्र के नासिक में वायुसेना का सुखोई लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित, ओवरहॉलिंग के लिए HAL के पास था विमान। दिल्ली में लोगों को नहीं मिल पा रही मनपसंद बोतल, मैं खाने से मायूस लौट रहे बियर के शौकीन, पसंदीदा ब्रांड के पड़े लाले। अब ऑन द स्पॉट तफ्तीश कर सकेंगे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, जांच के लिए 135 सीनियर्स को दिए जा रहे हैं आधुनिक लैपटॉप। दिल्ली में आज गिर सकती है रात की बूंदे, मौसम विभाग ने कल के लिए लू का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के लोगों को प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहे टैंकर, कई इलाकों में पानी की अधिक किल्लत, बेबसी में कट रहे दिन।
दिल्ली में वाहन चलाने वाले नाबालिगों की संख्या में बड़ी वृद्धि, 1 जनवरी से 15 मई के बीच पुलिस ने काटे 101 चालान। आगरा में ट्रकों की पहचान बदलकर 15 बार कराया लोन, एसटीएफ ने दबोचे गैंग के 2 गुर्गे, कई राज्यों में फैला नेटवर्क। वाराणसी में 2 दिन बाद खुली अस्पतालों की ओपीडी, अस्पताल पहुंचे तेज धूप और गर्म हवा से बेहाल 15,000 मरीज। यूपीपीएससी आरओ एआरओ की पुनः परीक्षा की तिथि घोषित, 12 दिसंबर को होगी परीक्षा, वेबसाइट पर अपलोड हुआ कैलेंडर। ग्लोबल वार्मिंग से सहारा रेगिस्तान जैसा तपड़ा एशिया, वंचित और गरीब तबके के लोगों पर सबसे बुरा असर। चीन की स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में लगाई ऊंची छलांग, चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लेकर लौटा चांद E6। मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में बड़ा झटका, अदालत ने कहा जमानत याचिका पर अभी सुनवाई नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।